वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का हिंदी फर्स्ट। डेट है 22 जुलाई 7, 2020। पार्ट दो। पार्ट नेम है बड़ा कौन है। बड़ा कौन है का सारांश है आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, ऐसा लगता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के से अपने बारे में जानते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कमी है, इसलिए हमें कभी अपने आप को सबसे बड़ा नहीं मानना चाहिए। इसमें दो राजाओं की कहानी है, आइए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इन दोनों राजाओं में बड़ा कौन है। बहुत दिन पहले की बात है, काशी में एक राजा राज करते थे। वे प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे, वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी, सभी राजा का गुणगान करते रहते थे। एक दिन राजा ने मन में सोचा, राज्य तो भली प्रकार चल रहा है, प्रजा सुखी है, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। उन्होंने राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा कि यदि मुझमें कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो, किंतु वे उनके दोष न बताकर उनके गुणों की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये लोग भय के कारण मेरे दोष को नहीं बता रहे हैं। राजा मंत्री के हाथ में राजकाज देकर वेश बदल कर और रथ पर बैठकर राज्य में घूमने पर निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि मुझमें कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने गुरु की ही प्रशंसा की। तब अपनी राजधानी की ओर रथ फिराने के लिए उन्होंने सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटा कर ले चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे, कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसे ढलान पर आ गए कि इधर उधर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था। किसी एक रथ को उल्टा लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा लो। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशी राज हैं। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज हैं, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशी राज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है, अब किसका रथ लौटाया जाए। अच्छा, इनमें जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछकर देखा गया कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी राज के सारथी ने सोचा, इन दोनों में जो चरित्र के बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। सुनो, कठिन के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता, पर नीति में कौशल राज निपुण हैं। थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है, इस हेतु हटा अपना संकट, मुझे राह तुम छोड़ दो, करो शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। काशी राज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल राज के सभी गुण कह दिए। उसने कहा, हाँ। काशी राज के सारथी ने कहा, यदि यही सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं। उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं, हम भी तो सुने। काशी राज के सारथी ने कहा, सुनो, कहता हूँ, क्रोधी को कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निज वश, कृपण मनुज को दान वीरता से वश में करते, अद्वितीय हैं झूठ को जीतने में सच केवल। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे
वह बड़ा कैसे हो सकता है। बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपने विनय से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशीराज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे दोनों रथ से उतर गए। उन्होंने काशीराज को प्रणाम किया और अपने रथ को लौटाकर उनके रथ को रास्ता दे दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुईं। फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी में लौट चले गए। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हम कभी भी एक दो राजा हैं, ये भी अच्छे हैं और ये भी अच्छे हैं, लेकिन देखिए इन दोनों में अंतर कितना है। वे कठिन के प्रति जो उनके साथ गलत व्यवहार करता है उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ये इस तरह से अपनी अच्छाई बताएं। और एक राजा हैं जो अपनी अच्छाई इस तरह से बताए हैं कि जो इनके साथ बुरा व्यवहार करता है उसके साथ भी ये अच्छे से रहते हैं, जो इनके साथ गलत बात करता है उसके साथ वो अच्छा बात करते हैं। ऐसे ही इन ये राजा हैं। तो इन दोनों राजाओं में आपको पता चल गया होगा कि बड़ा कौन है। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी हमें अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए और जो काशी राज में अच्छाई है उस अच्छाई को अपने अंदर लाना चाहिए। हमारी क्लास ओवर होती है, हम इसका एक्सरसाइज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।